लेवल पे पहुंच जाए, मेरा कहने का ये मतलब है, राइट। बट अगेन ऑन पैसिव में बहुत कुछ हो रहा है, कुछ अपडेट्स आई थिंक बहुत जल्द आपके पास आने वाली हैं, इमीडिएटली शायद मिस्टर ऐश के द्वारा ही आने वाली है, राइट। तो उसके लिए हम स्टे ट्यून्ड है, गो विद द फ्लो करें हम कंपनी में। अगर मिस्टर ऐश पिछले 10-12 दिन से नहीं आपको अपडेट दे, सो वॉट, फिर क्या हो गया, वो अपना काम कर रहे हैं, उनको काम करने दीजिए, ओके। ये भी गो विद द फ्लो है कि हम लोग उनको डिस्टर्ब ना करें, हम लोग इंपेशेंट ना हो कि पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं कहाँ चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। ही इज डूइंग हिज वर्क, हम अपना काम कर रहे हैं, ओके। फाउंडर सब अपना अपना काम करते हैं, ओके। जब मिस्टर ऐश को लगेगा कि ओके आई एम रेडी, ही विल कम, वो आएंगे और हमें अपडेट देने के, सिंपल एंड क्लियर, इतनी सी एक फाइन लाइन है बस, ओके। तो इसमें कोई किसी को घबराने की बात नहीं, अरे पता नहीं कहाँ पे ऐश है सर, क्या अपडेट है, इम्पेशेंट मत हुआ करो यहाँ पे, ओके। ये प्रोजेक्ट ही जिनके पास पेशेंस है ना, उनका प्रोजेक्ट है ये। जो इम्पेशेंट लोग हैं आई थिंक वो हमेशा डरे रहेंगे यहाँ पे, वो हमेशा ही डरे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत बहुत कुछ ऐसा होगा टाइम टू टाइम, क्योंकि हम लोग बन रहे हैं, हम लोग अभी 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 पूरे बने नहीं है, ओके। हम नो डाउट लॉन्च हुए हैं एक प्रोडक्ट को लोके, बट वो अभी साथ के साथ हम लोग उसको स्केल कर रहे हैं, साथ के साथ उसको स्टेबलाइज कर रहे हैं, साथ के साथ में कुछ और प्रोडक्ट्स है जो बैक एंड के ऊपर अभी आपको आने वाले दिनों में वो दिखेंगे यहाँ पे, ओके। तो वो कर रहे हैं, पेमेंट के प्रोसेसर जो है उनके उनकी उनके रिगार्डिंग पीछे बहुत कुछ चल रहा है, ओके। स्टार्टअप हुआ था सारे के साथ, अगर बीच में कोई ग्लिच है तो मिस्टर ऐश उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। वाई? क्योंकि मिस्टर ऐश का एक सपना है, ओके, कि हर कुछ हर एक चीज में पेमेंट से रिलेटेड रियल टाइम में करूं, ये मिस्टर एस का सपना है, राइट। कि यहाँ से कमीशन आया और वहां से आपने निकाला, ये उनका सपना है बेसिकली। अगर मैं आपको आज बताता हूँ, ये जो अभी कह रहा है कि हमने पे आउट के लिए अप्लाई किया था, इतने दिन हो गए नहीं आगे, डेफिनेटली वो बात भी कंसर्न की आपको शायद अभी लगती होगी, बट मिस्टर एस का ऐसे नहीं था, ओके। उनका जस्ट ये था कि 10-15 में दिन मिल देंगे, उसके उसका जो नेक्स्ट फेज होगा उसको फिर एक हफ्ते में कर देंगे, ओके, पे आउट्स, और उसके बाद जो नेक्स्ट फेज होगा वो रियल टाइम में होगा। तो ये मिस्टर एस का एक सपना है, ओके। तो उसमें उसको वो सही कर रहे हैं, उसको स्केल कर रहे हैं, उसको उन चीजों कर रहे हैं, तो उसको घबराने वाली बात नहीं कि मैंने किया था आया नहीं है, क्रिप्टो वालों ने किया था उनको तो आ गया है, तो क्रिप्टो तो सीधा ही काम है, राइट। तो बैंकिंग प्रोसेसर वो थोड़ा सा उसमें उसका टीडियस प्रोसेस है। तो अल्टीमेटली मिस्टर एस का ये है कि यहां से कमीशन जनरेट हुआ और वहां पे आपने निकाला इमीडिएटली, फ्लिक ऑफ ए सेकेंड, ओके। तो ये उनका सपना है, तो वो उसको आई थिंक वो कर रहे हैं बैकएंड के ऊपर बहुत बड़ी, क्योंकि ये टेक्निकल बात है, ये बहुत बहुत टेक्निकल है, रिलेटेड टू बैंक्स, रिलेटेड टू गेटवेज, पाथवेज, बहुत कुछ है, ओके। एक चीज नहीं है इसमें, अगर हम सीधा सा काम नहीं है, ये बिल्कुल भी सीधा सा काम नहीं है ये, राइट। सो उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि लीगैलिटीज आ जाती हैं फिर, क्योंकि पैसा इन भी आ रहा है, पैसा आउट भी जाना है, पैसा कहाँ से इन आ रहा है, पैसा आउट कैसे जा रहा है, ओके। तो वो जो आउट और इन का जो एक प्रोसेस है ना, और वो आउट जब करना है पैसा, और आउट कहाँ हो रहा है, किसकी जेब में जा रहा है, दैट इज सच ए टीडियस काम है, बैंकिंग प्रोसेस बहुत बहुत वो है, क्योंकि वो लीगल पैसा किसी के उधर जाना चाहिए, तो वो कंपनी है, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं, कंपनी का सिस्टम है, कंपनी बैंक्स हैं, बैंक्स का अलग से सिस्टम है, उसके बाद अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग से सिस्टम है, सो मेनी थिंग्स, राइट। तो इसलिए हम उनको फ्री हैंड दें मिस्टर एस को, वो जो भी कर रहे हैं वो हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। हम इसको अगर सोच के चलेंगे तो अगर हमारा फ्यूचर में और 2 दिन लग जाते हैं बनने में, और 10-15 दिन लग जाते हैं, या और 1-2 महीने भी लग जाते हैं, विच इज गुड, मेरे लिए तो वो सारा कुछ सही है, राइट। तो हम अपने फ्यूचर को एग्जैक्टली बनता हुआ देख रहे हैं, और अगर हमारे फ्यूचर के लिए कोई आदमी काम कर रहा है बैकएंड के ऊपर, हमें फ्री हैंड देना चाहिए मिस्टर एश को वो काम करने के लिए, राइट। तो ऐसे हमारा एक सिस्टम चाहिए। एनीवेज, क्वेश्चन एंड सेशन को शुरू करते हैं, बहुत लोगों के शायद सवाल भी होंगे, कुछ भी सवाल डालिए एंड वी विल आंसर दैट क्वेश्चन, राइट। थैंक यू एंड ओवर टू डॉक्टर केरी। थैंक यू वेरी मच दिलन सर, बहुत ही शानदार मैसेज दिया आपने। आपकी बातें सुन रहा था तो मुझे ऐसा मतलब एक कहते हैं ना, देने के लिए मुझे और सभी पैनलिस्ट को, सभी ब्रांड एम्बेसडर्स को, मुझे पता है आज जो हम लेवल पे जा रहे हैं ऊपर, और वो इमोशन जो टच है, मेरे लिए तो बहुत ज्यादा इमोशनल है, क्योंकि जब ये जर्नी शुरू किया था तो बहुत सारे लोग थे कि ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि बॉस लॉन्च की तो छोड़ो, ये कंपनी भाग जाएगी और ये ऐसा होगा, बहुत सारा स्टोरीज है। जब ये शुरू होती है तो जब इमोशन साथ में होता है तो मैं ये महसूस करता हूँ कि कितने लाखों फाउंडर्स है, हर एक का कुछ ना कुछ स्टोरी है, हर एक का कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज है, हर एक का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस है,
और ये सारे फेस करके सभी लोग, मतलब आज का तारीख जो डेट आया था वो पहले भी अपने को सुनाई दिया था, गए साल भी कि बॉस नहीं ऐसा होगा, दिसंबर में होगा या उससे पहले डेट कुछ मिला है, आगे पीछे हुआ है। लेकिन एक चीज आपको मानना पड़ेगा और जानना भी पड़ेगा कि जब जब हमने जब ही सोचा था कि इसका लॉन्च होना चाहिए और अभी लॉन्च हो, और एज सर बता रहे हैं कि द डिफरेंस इज वेरी बिग एंड ह्यूज जो आपको दिख रहा है आज। जैसा केडी सर ने बताया कि फुटबॉल वो पहली बार इतना इंटरेस्ट लिए और पहली बार देख रहे हैं और उनको ये भी कंसर्न नहीं है कि कौन जीता कौन हारा, इतना तो पता है कि वो बोले कि इतने लाख फाउंडर जीत गए, वो बहुत सही बात बोले। मुझे तो एज द टोटल कंपनी इकोसिस्टम जो ट्रिपल पावर है उसमें से जो दो पावर है वो दोनों पावर जीत गया है मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज टेक ऑफ इतना जबरदस्त वे से किया है, मतलब आई कांट बिलीव दिस। बट मुझे आज फाउंडर का इमोशन जानने के लिए बहुत, मैं मुझे ऐसा अंदर से लग रहा है कि अगर मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है तो हर एक फाउंडर जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, जिन्होंने टाइम डाला, जिन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए, जिन्होंने मेहनत किया, सबको थैंक यू मैं मेरे तहे दिल से बोलना चाहता हूं, बिकॉज एवरी स्मॉल स्टेप जितने भी सारे लोग ने स्टेप्स लिए वो बहुत जबरदस्त वे में हम लोग इधर आए। अभी देखो एक टीम है, एक टीम सिकंदर है, बाकी आप समझ जाओ जो भी है वो सिकंदर नहीं है, क्या है आप समझ लो, लेकिन ये सिकंदर लोग को इतना जबरदस्त एक मौका मिला है। वी आर ऑन दिस साइड ऑफ द फेंस, ये याद रखिएगा कि अभी जितने भी लोग आएंगे, मतलब दुनिया में जितने भी लोग आएंगे, जितने 30 मार के लोग आएंगे, जितने भी पावरफुल लोग भी आएंगे, वो सारे के सारे ओनली द गेटवे इज थ्रू द फाउंडर्स। सो ये जो खुशी है और ये जो हमने जितने जितने अपने मेहनत किया तो ठीक है, तकलीफ जो दे ले और हम लोग जो ये पोजीशन पे लाए और लास्ट में फाउंडर्स को ब्रांड एम्बेसडर करके वो जो पदवी दिया है वो इतना फक्र से भरता है हमको और लोग हमको जानेंगे मेरे ख्याल से आगे चल के। मुझे नहीं पता कि हम लोग जब अपना विजिटिंग कार्ड्स बनाएंगे तो ऑन पैसिव लिखेंगे, इमेजिन करो आपने ब्रांड एम्बेसडर लिख दिया है तो आप एक एम्प्लॉय भी नहीं कुछ नहीं, डायरेक्ट सेलिब्रिटी होता है सीधा एक कार्ड से। और एक बात मैं बोलना चाहूंगा, करीबन 14 लाख लोग जो है ये एकदम कम है, दिस इज नॉट कितना 1% से भी कम लोग है और ये ज्यादा कभी नहीं होने वाले। तो सामने जितने भी भर दे, जितने भी मिलियंस ऑफ पीपल आर कमिंग, दे विल कम थ्रू अस, बट वी विल हैव अ डिफरेंट पोजीशन। ये सोचो एज सर का विजन, उनका जो डन डील वाला बात बोला था, इन इट टू विन इट वाला बात बोला था, और जितने भी सारे सारे लोग है, जितने भी है ये जो ब्रांड एम्बेसडर्स है उसका, जैसा डिलन सर बोलते हैं कि आपको मालूम नहीं पड़ रहा है आप क्या हो, ये एग्जैक्टली डिलन सर का बहुत राइट स्टेटमेंट था कि आपको खुद को नहीं मालूम कि आप क्या हो, तो वो फीलिंग लेने का और आज का दिन का, बाप रे दिस इज टू मच, मतलब आज मैं बैठा हूं उधर फुटबॉल का ओपनिंग हो रहा है और इधर हमारा लॉन्च हो रहा है। डेफिनेटली आपको लॉन्च का दिन आज ही नहीं दिखेगा कि आज ही सब कुछ हो रहा है, लेकिन प्रोसेस स्टार्ट हुआ मतलब उसको शेड्यूल डेट भी दिया है, उसका मतलब आप कहां पर है, अगले महीने क्या होगा, आपका क्रिसमस कैसा होगा, आप वैलेंटाइन डे कैसे मनाएंगे, बाकी सारे डेज जो भी है जिसका बर्थडे आता है बीच में, इट विल बी डेफिनेटली डिफरेंट। वी आर इन इट टू विन इट एंड वी आर ऑलरेडी इन इट इनसाइड, सो वी हैव वन इट। ये आपको फीलिंग अभी अंदर लेना है। ओके, जैसा केडी सर ने एक बहुत पॉइंट अच्छा नोट किया कि जैसा चालू होता है कोई भी मशीन स्टार्ट होता है तो थोड़ा सा उसको ब्रेकअप गियर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो तुम लोग ब्रांड एम्बेसडर है, यू आर टॉकिंग अबाउट द कंपनी एंड यू आर विद द कंपनी, तो एक प्लीज बात याद रखिएगा, इवन आफ्टर स्टार्ट कुछ स्लो फास्ट होता है तो ये पूरे सिस्टम में वो चीज है, वो हमको टपा टप कौन क्लियर करके देगा।